मैं हस्बैंड बोल रही हूँ तो हस्बैंड ही हुए ना आप मेरे। हो सकता है अपने पति को बुला रही है मोहतरमा, हम तो नहीं है आपके। अच्छा बच्चा तो मेरा ही है, तुमने किसी और का पकड़ रखा है। अरे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, भगवान को तो सब पकड़ना चाहते हैं। Did you know China shell is burned and ground with oil to blue places? नहीं पूरे में आए थे, यहाँ पे हम 5 साल पहले आए थे, हम 5 साल के बाद आए अपने सर्टिफिकेट के साथ, है ना। पहले हम एग्जाम दे रहे थे, अभी हम सर्टिफिकेट लेके आए। लेकिन एरिया ना यार बहुत सुंदर है, ये जू जो जंगल में ना बड़ा सुंदर सा पीसफुल सा एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा। ये जंगल का राजा लायन, महाराजा पिंजरे में नहीं, ये लाइन से लड़ाई करेगी। हाँ ये बोल रही, तूने रोटी नहीं बनाई आज है, तुप्पा ला रहा तो रोटी आड़ी लाई नहीं रहे। ये दाड़ेंगे कब मम्मा? ऐसे ना पूछे कैसे दाड़े। ये बोल रही मुझे जगह नहीं मिल रही यहाँ पे, भाई हट साइड है, पूरे घर पता नहीं कब्जा कर रखा है भाई। आदित पीछे देख के हाय कर दो। देख लिया है, लैपर्ड वगैरह थे वो मैंने नहीं देखा। ओह माय गॉड, अभी देखना कितना जाइंट लग रहा है यहाँ से। तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, बस अभी हम लोग क्या देखने जाएंगे, भालू बेयर देखने नहीं, और भी थोड़ी बहुत चीजें हैं। लैपर्ड वगैरह काफी दूर थे तो वो कैप्चर नहीं हो पा रहे थे इसलिए मैंने नहीं किए। लायन बहुत ही ज्यादा ऊपर की तरफ से कम दिखाई दे रहा था, यहाँ से बहुत जाइंट दिखाई दे रहा है। मैं एक बार जूम करके कोशिश करती हूँ दिखाने की, अगर दिख पाए तो एक मिनट अभी करती हूँ। ये इतना ही नज़र आ पाएगा यहाँ से, इतना ज़्यादा नहीं कैप्चर हो पाएगा बट मेरी आंखों से देखो तो बहुत सही लग रहा है।
की तरफ से इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा था क्योंकि इनकी पीठ थी ऊपर की तरफ से, बट इस तरफ से पूरा नीचे से ऐसे हाइट में दिखाई दे रहा है ना, तो काफी बड़ा लग रहा है। साथ ही साथ थोड़ी सी कसरत भी हो गई है हम लोगों की। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे झूले भी है बच्चों की, उचित व्यवस्था है बच्चों के खेलने की, उचित व्यवस्था। जाओ झूला झूलो। फू हम दोनों यहाँ चलो जाओ फिर, जहाँ जाना जाओ। मैं थक गई, तुम थक गए? नहीं मैं तो थका नहीं हूँ, मैंने जो दो अंडे खाए थे वो वसूल भी तो करने हैं मैंने। लोग दस दस बारह बारह अंडे खा जाते हैं, आप दो अंडे की बात कर रहे हैं। जो दस बारह अंडे खाते हैं वो जिम जाते हैं, ठीक है। और मेरी तो लाइफ ही जिम है अपने आप में। ओ आदित आदित पैर इकट्ठे रखो। अभी मेले से वापस आ गए और हार्डली 10 मिनट है ना, 10 मिनट रुके होंगे हम वहाँ पे। नहीं आधा पौना घंटा रुके हम वहाँ पे है, पर वो था यार बहुत कंजस्टेड था इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। सड़क के किनारे किनारे था ना सब कुछ, हम लोगों को यूपी की आदत पड़ी है, सब कुछ खुला ढुला है। हम लोग जल्दी आ गए वापस क्योंकि बहुत ज्यादा, एक तो धूप भी बहुत ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा लग रही थी, ऊपर से ये हो रहा था कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, कि बच्चे के साथ अगर कहीं पे जाना हो तो उस हिसाब से नहीं थी जगह। तो अब हम लोग निकल रहे हैं धर्मशाला की तरफ वापस, और फिर थोड़ी देर के बाद ना वहाँ पे पार्किंग की भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत थी पार्किंग की वहाँ पे। हमने सड़क के साइड पे लगाई थी गाड़ी। चले अब आदित यहाँ देख लो, हाय कर दो। आदित ने लिए वॉच अपने लिए क्योंकि वहाँ पे टॉयज वगैरह दिखाई नहीं, हद थी यार है ना, इतना बड़ा मेला और कहीं पे बच्चों को टॉयज कम थे यार, हम पूरे नहीं गए होंगे पता नहीं। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जी हम लोग पहुंच गए घर वापिस। अरे हमारा घर आला, हेलो जी, हेलो जी, हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्ट। आ जा यार, बहुत दिन से तू मेरे व्लॉग में नहीं आए हो, आ जा यार थोड़ा सीधा बैठ यार। पैसे तो देखो ऐसे है, आप भी दे। मैंने आपको चाय पिलाने के लिए बोला, आपने मुझे चाय पीने से, आपने मेरे को 100 बातें सुनाई चाय के लिए, मैं आज की बातें सुनाते नहीं करूँ, मैंने नहीं आना तेरे व्लॉग। यार एक बात बताओ, मतलब एक चाय के लिए अगर मेरे को इतनी बातें सुननी पड़ रही है। मैंने कब सुनाई तुम्हें बातें? मैंने ये बोला कि मैंने, तुम बोलते हो कि आज भी नहीं पिलाओगी चाय, तो फिर मुझे गुस्सा आया कि आज भी नहीं पिलाई थी तुमने। क्यों नहीं पिलाई थी? तुम बहाने बनाती हो, फिर बोलती हो बहुत देर होगी अब खाना खा लेते, आज तो मैंने 5 बजे बोला आपको। हाँ तो मैंने मना थोड़ी की, मैंने बोला कि रुक जाओ यार मैं भी थक गया। आते ही आप ऐसे बोल देते हो कि चाय बनाओ, है चाय बनाने के लिए। हम क्या थकते नहीं है? तो हम क्या स्टील के हैं का? हम का लोहे का है। मैंने बात नहीं करनी,
तो मैंने बनानी भी चाय फिर मैंने भी नहीं बनानी फिर। ये देखो ये अनजान औरत मेरे साथ लिपटी जा रही, मेरे को मत बोलना भैया। ठीक है तो मैं और आदू ही पियेंगे चाय, तुमने नहीं पीनी ना? नहीं पीनी ना है? मैं हिमालय चला जाऊंगा, यहाँ से नजदीक ही है, दिखता भी है। नहीं तेरे ब्लॉग में तो अंग्रेज ने क्या बैठ गई तेरे, सॉरी ब्लॉग में तेरे गाड़ी में तो अंग्रेज ने क्या बैठ गई, रवैया चेंज हो गया है। उन्होंने कहा जितने की गाड़ी नहीं है उतने की मैं टिप दे दूंगी, तो चल मेरे साथ। मैंने कहा जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फिर टिप दे दूं मेरे को, बाकी आ जाऊंगा मैं धीरे धीरे। भाई जी मैंने को, मैं ये कोई नहीं, मेरी क्या बोलते हैं उसको, मेरी वो है, ये वादा रहा तेरा? मेरा वादा नहीं है, वादा रहा तेरा बिल्कुल मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ वाला ही लेगा तो ये ऐसी होगी ना? नहीं यार पहले बताओ तेरा वादा रहा तो तू मेरे ब्लॉग में नहीं आओगे? मैं तुम्हारे ब्लॉग में आऊंगा जब मेरे को चाय मिल जाएगी तब। हाँ तो मैं बना रही हूँ चाय। ना होंगे जुदा वादा कर लो साइड। उन्होंने सोचा होगा ना जनानियों ने, भाई टैक्सी हो तो भाई कहीं हमारे हैं दुगने दुगने रेट के पैसे चार्ज कर ले भी हैं। मत बेटा माथे पे मत लगाओ कलर, इतना तो उनको भी पता होता भाई। मैंने मूवीज में देखा था ऐसे ऐसे करके लिफ्ट मांगते हो, आज मैंने असलियत में भी देख लिया, नहीं तो इंडिया में तो ऐसे ही करते लोग है ना। तो हम लोग पहुंच गए घर वापस और अब हम पियेंगे चाय और इस ब्लॉग को भी हम करते हैं यहीं पे एंड। टीका लगा रहे थे? अच्छा आदित बोल रहा है कि मम्मा जी मैं टीका लगा रहा था। नहीं मुझे लगाना, नो 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 डोंट टीका मी। जैसे वो आजकल कॉलर ट्यून बजती है ना सबके, किसी को भी फोन करो पहले वो खांसता है बंदा एक मिनट के लिए, तो ऐसे लगता है कि सच में सामने वाला बंदा ही खांस रहा है, किस किस को लगता है ऐसा। तो हम लोग आगे घूम के पूरा पालमपुर गए थे हम लोग मेले में, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप पालमपुर के मेले में आना, बट भाई साहब बहुत भीड़ थी और ऊपर से गर्मी बहुत ज्यादा थी दिन में, और वहां पे ना बहुत ज्यादा एकदम रोड पे ही था वो मेला सा लगा हुआ, फिर थोड़ा गाड़ियों की वहां पे उस टाइम पे गाड़ियां बंद नहीं हुई थी, मे भी हो सकता है शाम के टाइम गाड़ियों का आना जाना बंद हो जाता है, उस टाइम पे बंद नहीं हुआ था तो बहुत ही ज्यादा ऐसे लग रहा था। मैंने आदू को थोड़ा सा उसको जो झूला वगैरह झूलना था बच्चों का जो बाउंसिंग वाला आता है मिक्की माउस का वो झूलवा दिया था, बस फिर हम लोग आ गए वापस, फिर हमने कुछ नहीं किया वहां पे। और मुझे लगता है थोड़े टाइम के बाद वहां पे पार्किंग में पार्किंग की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी, वैसे भी हमने रोड पे ही लगा रखे, रोड पे पार्क कर दी थी अपनी गाड़ी, तो ये दिक्कत थी, रोड बहुत कंजेस्टेड था। तो हम आ गए वहां पे, मैंने कम्युनिटी में डाल दिया था पहले ही पालमपुर, तो कोई सब्सक्राइबर मुझे नहीं मिले वहां के, हो सकता है वो शाम को आने वाले हो या आके चले गए हो, और वैसे भी मैं इतना ज्यादा घूमी भी नहीं, तो ये बात थी। एक मिनट फोन को यहाँ रख दी। तो हाँ अब आ गई मैं किचन में, अब बनाऊंगी मैं चाय क्योंकि पति की डिमांड है भाई चाय पीनी है, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग दूध लाने के लिए। तो जिन फॉरेनर्स की मैं बात कर रही हूँ वो कह रही हूँ कि वो लोग वहां पे लिफ्ट मांग रहे थे रास्ते में। तो ये रहा आज का मौसम धर्मशाला का, क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते हो कि दी बाहर का भी दिखा दिया करो, तो ये देख सकते हो तूफान आंधी जो मर्जी बोल सकते हो, ये देखो, और ऊपर अभी भी स्नोफॉल जो है वो कंटिन्यू है, सिर्फ आगे वाली पहाड़ियाँ दिख रही है पीछे वाली नहीं दिख रही है, पर ये देखो हवा की आवाज़ से ही आप लोग पता लगा सकते हो कि कितनी ठंड है और कितना मौसम ख़राब है, कहीं कहीं पे मौसम साफ है पर कहीं पे नहीं है। तो चलिए फिर इस मौसम के साथ ही करते हैं व्लॉग का यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आज का व्लॉग, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।